देश में रैप का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। आपने अभी तक बॉलीवुड में यो-यो हनी सिंह, मिका सिंह के रैप सुने होंगे, लेकिन जल्द ही बॉलीवुड में एक नए रैपर आ रहे हैं जिसका नाम है दिल संधु। रैपर संधु जल्द ला रहे एक एल्बम जिसका नाम है नच ले ओए। फिलहाल इस एल्बम के दो गानों को पूरा कर लिया गया है। एल्बम के सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं शहजाद और इस एल्बम के डायरेक्टर हैं अतीश ढोला। इस एल्बम के कलाकारों की बात की जाए तो इसमें हिमांशु गांधी जी हैं। इस एल्बम में रैप दिए हैं पोपो दिल संधु जो यो-यो हनी सिंह को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस एल्बम को कोरियोग्राफ किया है सुनील और राम ने। ऐसा है नहीं वैसे कि रैप का कोई म्यूज़िक नहीं होता। ये जो आज की जनरेशन है बहुत आजकल गाने तो चल ही रहे हैं पर साथ में रैप होना सॉन्ग में बहुत ज़रूरी है, मैं यही बोलूँगा। और अगर रैप ना हो तो जान नहीं लगता है उसमें सॉन्ग में। पर देखिए अभी क्या है कि गाने एक सॉन्ग जो होता है जो सिंगल ट्रैक है वो तो है ही। अब मैंने कुछ कुछ लोग देखे हैं जो गाना भी खुद गा रहे हैं, रैप भी खुद कर रहे हैं, वो तो मतलब मैं यही बोलूँगा उसमें देखो जिसका जो काम है वो करेगा। जो अगर आप गाना गा रहे हो, रैपर कौन है, रैपर रैप ही करेगा, गाना नहीं गाएगा। और जो सिंगर हैं वो गाना ही गाएंगे, वो रैप नहीं कर सकते। मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, रैप करने के लिए हमेशा तुम या तो रैप करो या तुम पूरा गाना गा लो।